ये ना परवेज भट्ट साहिबा बड़े अजीबोगरीब से ट्वीट कर देती है, बयान दे देती है, बड़े दावे से उसने कह दिया है कि जी अब इमरान खान की सियासत का बाप खत्म हो चुका, बंद हो गया, अब वो दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकता, ये है वो है। जो अच्छे काम करते हैं ना अल्लाह उनके साथ होता है। मैं बताता रहा हूँ, शेर का मुकाबला नहीं है, नहीं शेर है। भी जंगल में नहीं आया। इलेक्शन तक रहो, पहली गल है साढ़ा यार है जीएनएस बंद है और सन बोलने की लोड़ कोनी है, मेरे ख्याल है तेन भी पता है कि तुम्हारी कमली कौन है कि जान बुझ के सारा गुजारी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले एक वजीर आजम बनता है, वो बनने के बाद उसके बाद उसी की जेल होती है, फिर उसे अगला आता है वो बनता है, फिर उसको जेल होती है। ये वो कहते तू चल में आया, तू चल में आया, वो सीन हुआ था। आप एसी जो निकल के एसी जो बैग गलां कर देनी है बढ़िया सोचती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, हिना परवेज भट्ट साहिबा का कुछ यूं बयान आया है, कहती हैं कि इमरान खान की सियासत का बाब बंद हो चुका, अब वो कभी भी दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे। यानी हिना परवेज भट्ट साहिबा ने ये दावा कर दिया है और बिल्कुल स्टैंप लगा दिया है, उन्होंने अपने बयान के अंदर ये कह दिया है कि जी अब इमरान खान दोबारा नहीं आएगा, सियासत का बाप ख़त्म हो चुका है। अब हो चुका है या नहीं हो चुका, हिना परवेज भट्ट का ये कहना कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये तो मुझे अवाम ही बता सकती है। मेरे साथ रहिए, कई मत जाइएगा। कौन एक्टर पसंद है तुम्हें फाइट दे विच कि ड्रामे दे विच? फाइट दे विच, ड्रामे च भी। फाइट दे विच जरा फिरोज़ खान, ड्रामे जी भी फिरोज़ खान अच्छा लगता है, यानी कि बॉडी वगैरह दी अच्छी है। बॉडी अच्छी है, उन वेख के बनाई तुसी भी है? बस ठीक है, अल्लाह टेढ़ी बनाया जी। दूसरी बॉडी नहीं जी बनाई, कोई गल नहीं, अल्लाह देगा जी। चलें जी, अल्लाह पाक खुश रखे। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, क्या प्यार है, बड़ा प्यारा नाम रखा। उस्मान भाई क्या कहते हैं ये ना परवेज भट्ट साहिबा बड़े अजीबोगरीब से ट्वीट कर देती है, बयान दे देती है, बड़े दावे से उसने कह दिया है कि जी अब इमरान खान की सियासत का बाप खत्म हो चुका, बंद हो गया, अब तो वो दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकता, ये है वो है, क्या कहते हैं? सर हम ये जानते हैं कि जो अच्छे काम करते हैं ना अल्लाह उनके साथ होता है। बेशक ऐसे ही। तो हमारी राय जो जोनसी वो ये है कि अगर इन्होंने नए काम किए हैं तो ये बाहर आएंगे, अगर बुरे किए हैं तो ये अंदर रहेंगे। ये अंदर रहेंगे, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात है। तो हिना परवेज भट्ट को क्या पैगाम है जी? आप बयान देते हुए जरा, आप जो भी बयान दे रही हैं तो आप ये देखें कि जो कारगर्दगी अच्छी करेगा अल्लाह उसके साथ है। हाय हाय, अल्लाह उसके साथ है। जो जैन भाई क्या कहते हैं ये ना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं बड़े अजीबोगरीब से बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि जी इमरान खान की सियासत का बाप बंद हो चुका, अब वो कभी दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकता, यानी दावे से कह दिया उन्होंने, फैसला दे दिया, आप क्या कहते हैं? ये कौन है, इसका नाम लिया? हिना परवेज भट्ट। पीटीए की सपोर्टर है? नहीं नहीं, ये नून लीग की सपोर्टर है। अच्छा। जानते ही नहीं आप? मैं सिर्फ पीटीआई में। तो हिना परवेज भट्ट को जानते ही नहीं? नून लीग का चक्कर ही नहीं आया हमारे। पीटीआई के सपोर्टर। सही गल है, हांडी जी नून कट देने हो। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या पैगाम है हिना परवेज भट्ट को, क्यों दे रही है ऐसे बयान? पागल हो गई है, शेर का मुकाबला ही नहीं है, पीटीए का मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल सही बात है ये। हम क्यों जी, ये इमरान खान के साथ हैं जी। नून लीग की जो सियासत है ना वो 2018 में ही खत्म हो गई थी, ठीक है, लेकिन जो अब खान साहब को इन्होंने पीडीएम ने खुडे लाने लगाया ना, ये भी नहीं अब कभी वजीर आजम बन सकते, फारग हो गए हैं ये। तो ये समझे इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा, अल्लाह के कम से आएगा इंशाल्लाह। हिना को पैगाम दे दें कि ऐसे बयान क्यों देते हैं? मैं बताता रहा हूँ, शेर का मुकाबला नहीं है, नहीं शेर है। भी जंगल में नहीं आया। शेर को इनको लंगड़ा इनका फनकार था वो बंद हो गया, अब ये क्या कर सकते हैं। हिना परवेज भट्ट के बारे में क्या कहते हैं आप? हिना परवेज भट्ट साहिबा बहुत ज्यादा दावा कर रही हैं, कहती हैं कि जी इमरान खान की सियासत का बाप बंद हो चुका, अब वो दोबारा कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। वो लकड़ बगेगा वो कह रहे हैं, तो पता ही नहीं किसी गल का। तू एक दफा सियासत इलेक्शन तक रहो, पहली गल है साढ़ा यार है जी एन एस बंद है और सानू बोलने की लोड़ कोनी है, मेरे ख्याल है, क्योंकि हर बंदे को ना एक चीज़ है कि आ पिछले जमाने जो होंगी तलवारा, उन्हें इस टाइम तलवार भी है, कोप भी है, सारा कुछ यही है, ठीक है, हर शायद पता चल रहा है लोगों को किस चीज़ कितने कितने जा रही है, और तेने भी पता है कि तुम्हारी कमली कौन है कि जान बुझ के सारा गा रही है। जवाब देंगी ना जो फरिश्ते ने तेने पूछना है ना, फिर तो झूठ जेड़े जेड़े बोले लोगों नाल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बच्चे दाखिल कराने गई है। अच्छा। हाँ, तो कहते गरीबों ने, कहते मैं थोड़े नाल, तो वो गरीबों को पता है कौन ऑक्सफोर्ड की होता है, यकीन कर। बाकी कहती ऑक्सफोर्ड बच्चे ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं,
कुछ लोटे है सपोर्ट करते हैं नून लीग नू ठीक है कहते ये वो हूँ किसी गल का कोई पता नहीं जो सड़क बनाई असं खानी ना समझते इमरान खान का दोबारा वजीर आजम नहीं बनेगा सर ये हो ही नहीं सकता उसके बगैर इलेक्शन ही नहीं है पहली बात तो ये है उसके बगैर इलेक्शन ही नहीं है सर मेरी एक छोटी जी नहीं रिक्वेस्ट है मैं गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचाना चाहना वा कि हेलमेट का रौला पाया है हेलमेट पा लो हेलमेट पा लो हेलमेट पाने नाल सैडा बंद हो जांदियां ने वो हेलमेट के नाल उन्होंने को सैड मिनर भी ला लो सवेरे बाबा वजा मेरे बिच मेरा पैर सुज गया है ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਠੋਕਤਾ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਮਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵਰੇ ਲੰਮਾ ਬਾਂਡ ਰਿਹਾ अल्लाह आपकी जिंदगी करे इसी तरह के बयान दे रही है हिना परवेज भट्ट भी हिना परवेज भट्ट साहबा कह रही है नहीं नहीं मेनू किसी पासे ना लेके जाओ सुन लो वो कहते हैं कि जी इमरान खान की सियासत का बाप बंद हो चुका हाँ। अब दोबारा कभी इमरान खान नहीं आएगा ये दावे से कह रही है वो यानी इतना बड़ा सर मैं मेरे लो सर मेरे लो बाप बंद हो गया दादा बंद हो गया हेलमेट के नाल साइड मिनर मैं ਮੇਰੇ ਚ ਬਾਬਾ ਵਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚ ਬਾਬਾ ਵਜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰੋਜ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਨਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਬਟ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ ਜਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾ ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਅਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਭੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤ ਵੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ पहली बात तो ये है इन सारों को इकट्ठा करो बिल्कुल ठीक है एक सोना जा प्राइवेट प्लेन लो बेहतरीन वेरी गुड वेरी जहाज नहीं नहीं प्लेन प्लेन अच्छा ठीक वो तुसी डुबो दियो पानी सीधे गेंज सारी मर जा लैंड करन लगे सारी मर जा वेरी गुड यार सारे ही मर जान सही बात फिर दोबारा तो कोई चंगा बंदा जे अल्लाह पाक ने साडी किस्मत च लिखया ते आइएगा आ जाएगा बिल्कुल सही बात है बहुत खूबसूरत बात की ये तो सारा दस्तूर हो गया है ना ये है ना हमारा ये एक हमारा लोग देखते हो ना आप जाते हो वहाँ पे या किसी कोई शो देखते हो लोग कहते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले एक वजीर आजम बनता है वो बनने के बाद उसके बाद उसी की जेल होती है फिर उसे अगला आता है वो बनता है फिर उसको जेल होती है रिवाज हो गया रिवाज नहीं है यानी ये हमारे परंपरा हो गई हाँ ये वो कहते तू चल में आया तू चल में आया वो सीन हुआ अब हम क्या आप मुझे कहेंगे मैं आपको कहूँगा कुछ भी नहीं होना कुछ भी नहीं ये कहने तो वो कह रही है ना उसको जा जाके गैस नहीं आ रही सिलेंडर भरा दे रोटी खा तो पका तेन पता लग जाए एसी जो निकल के एसी जो बैठ गल्लां कर देनी है बड़ी सौखियां ने एसी में बैठ कर बातें करना बहुत आसान होता है बहरहाल नाजरीन हिना परवेज भट्ट साहबा आपने जो बयान दिया लोगों के कमेंट्स आपने सुन लिए और मेरे एक दोस्त ने कहा हेलमेट नहीं साथ मेहनत चाहिए उसको जो है ना वो शीशे लाजमी बाबा बज गया अंदर मैंने बहुत चंगी लगी गल कि बाबा बज गया अंदर ये बाबे शाबे नहीं बजने चाहिए अवाम को सही तरीके से चलना चाहिए और सैड मैनर जरूर होने चाहिए वो वहाँ से भी खड़े मुझे इशारा कर रहे हैं बहरहाल हमारा काम तो होता है आपको हंसाना आपके चेहरे के आंसू चुराना हंस रहे मुस्कुराते रहे हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा इज्जत इज्जत ले मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक वही सब कुछ कर सकता है मस्के जैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ है साथ है सैड चीज़ है।